जमियत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप शाख निर्मल की जानिब से कज़िमुशान जलसा बनवान मुकाम में सीरत इंसानियत की नज़र में बाद नमाज ईशा अम्बेडकर भवन सर्द महल निर्मल में मुनाकिद किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी मजला जमियत उलमा सदर उत्तर प्रदेश नाज़िम मदरसा शाही मुरादाबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसकी निगरानी मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी रियासती सदर जमियत उलमा आंध्रा और तेलंगाना ने की, जबकि मुफ्ती महमूद जुबैर रियासती जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा आंध्रा और तेलंगाना के अलावा जमियत उलमा के रियासती ज़िलाई और मुकामी उलमाए किराम और जिम्मेदारान के अलावा बीजेपी कांग्रेस टीआरएस और दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन जिनमें तौहीदुद्दीन रफू कौंसलर निर्मल एम एल लतीफ़ कांग्रेस अखिलती ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की, जबकि इस इजलास में भैंसा अराकीन जमियत उलमाए हिंद जिसमें मौलाना अमजद खान हाफिज़ मुनीरुद्दीन हाफिज़ खैरुद्दीन मौलाना नसीरुद्दीन हाफिज मुजीबुद्दीन और मोहम्मद खालिद अखिल खान डॉक्टर वासिफ खमर हाफिज कामरान और दीगर मौजूद थे। नौजवान साथियों बुजुर्गों, आज का ये जलसा जिसमें हम और आप शरीक हैं, ये बहुत जलसा है। क्यों? इसलिए कि इस जलसे का ताल्लुक उस शख्सियत से है जो इस दुनिया की सबसे मुबारक शख्सियत है। जमीन ने उस जैसा मुबारक इंसान नहीं देखा, आसमान ने उस जैसे मुबारक इंसान पर कभी साया नहीं किया। आपका यहाँ बैठना की इबादत, सुनना की इबादत, आप आज का जलसा आपकी जिंदगी के धारे को तब्दील कर देगा। मेरे दोस्तों साथियों, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दुनिया ने इंसानियत